दोस्तों Realme GT Neo 6 SE जो है चाइनीज मार्केट में लॉन्च हो चुका है और यही फ़ोन जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि ये फ़ोन जो आपको BSA सर्टिफिकेशन में लिस्टेड हो चुका है। तो इसका मतलब ये फ़ोन जो आपको इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम इसी फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन होने वाली है, कितने प्राइस रेंज में इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा और इंडियन मार्केट में कब तक लॉन्च होने वाला है। तो मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल बार में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं Realme GT Neo 6 SE के बारे में। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इस फोन के लुक को लेकर। तो पीछे से आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जहां पर डुअल कैमरा का सेटअप होने वाला है, डुअल LED फ्लैश देखने को मिलेगी और नीचे की तरफ आपको Realme की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है। इसकी फ्रेम जो है आपको प्लास्टिक की देखने को मिलेगी, वहीं पर इसकी बैक जो है आपको ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ आने वाली है और डिस्प्ले पर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाली है, और वहीं पर डिस्प्ले पर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा। USB टाइप सी का पोर्ट होने वाला है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स होने वाले हैं। डिस्प्ले के ऊपर ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक का भी फीचर होने वाला है। नैनो सिम कार्ड का स्लॉट देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर, और वहीं पर राइट साइड पे वॉल्यूम बटन और पावर बटन होने वाला है। इस फोन के एंड्रॉइड वर्जन और UI के बारे में बात करें तो आपको एंड्रॉइड 14 पर रन देखने को मिलेगा, जो कि Realme UI 5.0 पर रन करने वाला है। और वहीं पर रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो LPDDR5X की रैम और वहीं पर UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप होने वाला है। इस फोन के बैटरी के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, ये 100W के फास्ट चार्जर के साथ आती है और चार्जर जो आपको बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 6.7 इंचेस की कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 120Hz के रिफ्रेशिंग रेट और 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है। डिस्प्ले के अंदर आपको HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट होने वाला है, और इसकी नीक पीक ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो आपको 6000 के आसपास देखने को मिलती है। और डिस्प्ले जो है बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है इस फोन के अंदर। इस फोन के कैमरास के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर पहला जो है आपको 50MP का सोनी का IMX882 देखने को मिलता है, और वहीं पर 8MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, जो कि 355 के साथ आता है। इस फोन के अंदर आपको 2MP का माइक्रो कैमरा और डेप्थ कैमरा देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होने वाली है। इसके अंदर आपको डुअल फ्लैश लाइट भी देखने को मिलती है। अब इस फोन के वीडियोग्राफी के बारे में बात करें तो आप 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और सेल्फी कैमरा जो है आपको 32MP का देखने को मिलता है। अब इस फोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको Snapdragon 8S Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका अंतुतु स्कोर जो है वो आपको 1.4 मिलियन के आसपास देखने को मिलता है। तो प्रोसेसर जो है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, आप गेमिंग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो इसके अंदर। तो ये थी इस फोन की सारी स्पेसिफिकेशन। इस फोन के लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करें तो ये फोन जो है आपको मई की स्टार्टिंग में या फिर मई के सेकेंड वीक तक लॉन्च देखने को मिल जाएगा। इस फोन के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो चाइना के अंदर ये लॉन्च हुआ है तो उसकी प्राइस जो आपको 19999 देखने को मिलती है। जब ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस जो आपको अंडर 13000 के आसपास देखने को मिलेगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये फोन आपको कैसा लगा, और टेक्निकल बार को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।